अरे क्या कर रहा है तू? अरे डेली व्लॉग है ना। अरे पागल है क्या, फुल डे व्लॉग क्यों होगा? मैं तो चाय बना रहा था अपने लिए, चाय पीने का मन कर रहा था। अरे तो ये सब छोड़ो ना, मैं तुम्हें एक चाय कैफे की दुकान पे लेके चलता हूँ। तुझे कैसे पता पे चाय कैफे, तू कहाँ घूम रहा है? अरे मतलब थोड़ा बहुत तो हम भी जानकारी निकाल ही लेते हैं। अच्छा अच्छा बेटा, तो चलो इसकी करते हैं गैस बंद। जब तू चाय कैफे लेके ही चल रहा है तो अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो कैसे हो सारे के सारे मेरे खाने के चाहने वालों? अभी हालत थोड़ी खराब है, रेडी होके फिर चलते हैं चाय पीने। तो चलिए कह रहा था, पहुंच गए भाई तेरे कैफे। हाँ भैया पहुंच गए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ये बता रहा था कि आज चाय पिलाने लेके जा रहा है, तो आज हम आए हैं चाय गरम, एक स्पेशल चाय कैफे है जहाँ हम आए हैं। तो आइए चलते हैं, वैसे हम अंदर आ चुके हैं, तो अब इनके ओनर से बात करेंगे, इनकी कुछ स्पेशलिटी चाय लगवाएंगे, साथ में कुछ मंचिंग का भी ट्राई करेंगे और अपना रिव्यू देंगे। तो चलिए, मैंने आप सभी को बताया हम आए हैं आज चाय गरम कैफे, बेसिकली हमारा भाई लेके आया है। तो आज हमारे साथ उनकी ओनर है, आपका नाम है? एना गोयल। एना गोयल है हमारे साथ। वो अब अपने इस कैफे के बारे में डिस्क्राइब करेंगी। आपका कैफे कहाँ से सिचुएटेड है? नियर लिंक रोड, आदेश कॉलोनी, मयूर महल के नियर। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आपके इसके टाइमिंग्स क्या हैं कैफे के? मॉर्निंग 9 टू नाइट 9। तो अक्रॉस 12 आवर्स अगेन। जो 12 घंटे वाली चीज़ें होती है ना, वो मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं पूरे दिन। अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करते ही रहते हैं। बाकी और मैं पूछूँ, जोमेटो स्विगी पे भी है? जोमेटो स्विगी पे अभी नहीं है। आ रहे हो आप जल्दी? कमिंग सून है। और इसके अलावा स्पेशली इन्होंने एक और बात बताई मेरे को, जो मेरे को पता चली कि इनका नीचे बैंक्वेट भी है और साथ में उन बैंक्वेट के साथ गेस्ट रूम्स भी हैं। अब पार्टीज का सीज़न आने वाला है, कमिंग अराउंड है, तो क्यों ना बुकिंग करें। आप बताएं उस बैंक्वेट के बारे में। बैंक्वेट में मैक्सिमम 100-150 पीपल अरेंज हो जाते हैं। हाँ जी। उसके साथ साथ रूम्स भी अवेलेबल हैं, यानी और कोई मतलब गेस्ट रुके तो उनके लिए भी रूम्स अवेलेबल है। जैसे मैं बता रहा हूँ तो फुल आपको कोई अलग से रूम्स बुक करने की जरूरत नहीं है, आपके जितने भी गेस्ट हैं वो सेटल हो सकते हैं। और पार्टी के लिए कोई परमिशन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और बाकी बर्थडे वगैरह एनिवर्सरी तो हर चीज हो सकती है यार, ऊपर कैफे नीचे बैंक्वेट। तो जल्दी से जल्दी आए, हम तो कह रहे हैं कैफे आए और चाय पिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में चाय तो सबको पसंद है, आपकी भी फेवरेट होगी, तो नॉर्थ इंडियंस तो चाय पीपल है। बाकी अब हम भी कुछ ट्राई करते हैं। तो चलिए, बता रही थी ओनर इनकी कि यहाँ पे बैंक्वेट के साथ गेस्ट रूम्स भी हैं, तो आप देख सकते हैं एक बार पूरा गेस्ट रूम ये है, और एक और है, और एक हॉल है पूरा बड़ा, और साथ में एक मेन सिटिंग एरिया भी है। तो जो भी आप पार्टी करेंगे वो आपको ये पूरे अवेलेबल होंगे, साथ में बस कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस है, वो किसी केस में है या नहीं है वो बाकी ओनर्स से आप कॉल करेंगे, मैं उनका नंबर डाल दूंगा तो वो डिसाइड कर लेंगे। और बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी है और एसी लगे हुए हर जगह, तो ये पूरा प्रेफरेंस दिया हुआ है हर उसको, मतलब कम्फर्ट जोन को पूरा तरीके से इन्होंने मेंटेन रखा है। तो आप जल्दी से जल्दी आइए, एक और रीजन है यहाँ पे पार्टीज करने का और यहाँ पे विजिट करने का कि आपको यहाँ पे साथ में गेस्ट रूम्स भी मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट आइटम बन रहा है बटर टोस्ट, है ना भैया? जी भैया। तो करिए आप स्टार्ट कीजिए। ये बटर है, अमूल का बटर है। हाँ भैया, इसको मैंने पहले से ही कुक करके रखा हुआ, मेल्ट करके रखा हुआ। हाँ जी भैया। अभी जो एक ब्रेड का पीस है इसको बेक करने के लिए ग्रिलर में लगा देते हैं। ठीक है, ये लगभग 5-7 मिनट में बेक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे और उसको 4 पीसेस में काट देंगे। ठीक है ठीक है। ये हमारा बटर टोस्ट जो है रेडी हो जाएगा। अच्छा। 4 पीसेस में सर्व करते हैं। अच्छा, और ये जो है
इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये फिलिंग बना के रखा है? हाँ, ये फिलिंग मैंने बनाई है और हम इसको ज़्यादातर इंस्टेंटली बनाते हैं। इंस्टेंटली? हाँ, इंस्टेंटली इसको बनाते हैं क्योंकि कई बार रखा हुआ हो जाता है टेस्ट में ना एक थोड़ा वेजिटेबल्स का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें वेजिटेबल्स में मैं आपको बताऊँ, ऑनियन है, कैप्सिकम है और टमाटो है, और उसके अलावा इसमें तीन तरीके की सॉसेज हैं भैया। अच्छा, चिली गार्लिक डिप है इसमें और मेयोनीज है और क्या कहते हैं चीज ब्लेंड है। ठीक है, तो टेस्टी होने वाला है वो। हाँ, तो ये टेस्टी होएगा। ये भैया स्प्रेड कर रहे हैं। हाँ, इसको स्प्रेड कर देते हैं। बढ़िया तरीका, कलरफुल है फिल, हाँ, फिलिंग बहुत। बिल्कुल, अच्छे से फिलिंग स्प्रेड आउट कर दिया है। इसके ऊपर हम दूसरा जो पीस है सेकंड पीस प्लेस कर दिया है। सो अब इसे ग्रिलर में डालोगे भैया? हाँ, इसको अब मैं ग्रिलर में डाल देता हूँ। अच्छा, अच्छे से प्रेस कर लिया भैया ने। टोस्ट ब्रेड के साथ ये ग्रिलर में सैंडविच चला गया है। अब जब दोनों चीजें कंप्लीट होती हैं तब दिखाते हैं। इस पे हमारा थोड़ा सा बटर लगा रहे हैं। थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। हाँ, अच्छा बटरी फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, बटरी फ्लेवर आ जाता है बीच बीच में। सही है, टेस्टी हो जाता है। ज्यादा अगर बटर लगाएंगे तो जो क्रंची होता है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। सो अब इसको पलट भी देंगे, एकदम आवाज देखिए आप क्रंच के साथ। और अब इसे प्लेट करेंगे भैया अपने ब्रांडेड प्लेट्स है। अच्छा है, ब्रांडिंग का तो हर जगह ध्यान देना चाहिए। ये इधर इस पर प्लेस कर देंगे। आपको ऐसी ट्रेस विद केचप जो कंप्लीमेंट्स है ऐसे मिलेगा। अब अपना फ्रेंच टोस्ट भी, वो फ्रेंच टोस्ट कह रहा हूँ, बटर टोस्ट भी तैयार होने वाला है। हमारा बटर टोस्ट भी अब कंप्लीट करेंगे। ग्रिल हो चुका है अभी ये। अब भैया निकालेंगे इसको। ये अब इस पर अच्छे से बटर लगाएंगे क्योंकि भाई बटर टोस्ट ही नाम है। बटर स्प्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और चाय के साथ मैंने ये इसलिए लगवाया क्योंकि चाय का तो बेस्ट एकॉम्पलीमेंट है ब्रेड और बटर। तो अच्छे से लेयर लगा दिया पूरी एक बटर की। मज़ा आ जाएगा भैया है। बिल्कुल, चाय की वो स्वीटनेस साथ में बटर का सॉल्टीनेस। ये क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। काटने से इसको पता लग रहा है आपको। हाँ हाँ, और सॉल्टीनेस बटर की, सॉल्टीनेस बटर की। तो चलिए अब इसे भी सर्व करते हैं और फिर अपनी चाय बनवाते हैं। बिल्कुल सर। कितनी कितनी मतलब ब्राइट लग रही है, दानेदार नहीं है, पूरी परफेक्ट लीव्स है। तो ये अब हमारा बॉइल हो चुका है। तो अब इसको मैं ज़्यादा देर तक बॉयल ना करके, हाँ जी, बॉयल वाटर को लगभग 2 मिनट के लिए रख देता हूँ। बस अपनी हीट में कुक होगा। हाँ, ये अपनी हीट में कुक हो जाएगा। अच्छा। और इसमें जो है एक कड़वाहट नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, अगर मैं इसको ज़्यादा बॉयल करूँगा तो इसमें कड़वाहट आएगी। ओके ओके ओके, उसके बाद में इसको छान लेता हूँ। अब ग्लास में भैया लेमन स्क्वीज कर रहे हैं। हनी डाल देता हूँ। ये इसमें भैया हनी डाल रहे हैं 1 फुल टीस्पून। स्वीटनेस की स्वीटनेस और हेल्दी सबसे बड़ी बात। कई बार इसमें आप ज़्यादा या कम भी डाल सकते हो। अच्छा, बस मतलब आप रिकमेंडेशन अपनी जो आपको कस्टमर को पसंद है जितना उतना डलवा सकते हैं। वैसे 1 टीस्पून भैया रिकमेंड कर रहे हैं। रिकमेंड कर रहे हैं। इसको स्टर करने के लिए इसमें अभी छोड़ देते हैं। ओके, इन्होंने लीव्स कैसी डाली थी और ये देखिए कैसी हो चुकी है। मतलब ये कोई पत्तियाँ हैं पूरी, जो कहते हैं ना चाय पत्ती, तो ये पत्ती है, वो ग्रेनुअल्स नहीं है। सो आप ये देखिए कितना अच्छा हो सकता है। अब ये इसे पोर कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अरोमा आ रहा है, देख सकते हैं। लेमन ग्रीन टी विद हनी रेडी हो गया। भैया स्टर करोगे? हाँ, मिस मिस। ये भैया ने अच्छे से स्टर कर दिया है और ये अब कंप्लीट हो चुकी है। स्टर करने के बाद ना इस पे एक लेमन स्लाइस लगा देते हैं। ऐसे गार्निश लेमन स्लाइस लगा दिया भैया ने। तो ये अब हमारा नेक्स्ट आइटम लग रहा है जो इनका सबसे स्पेशल चाय है, चाय गरम स्पेशल। बेसिकली इसमें हर टाइप का फ्लेवर जाएगा, है ना भैया? जी भैया जी, दालचीनी, लौंग, इलायची। सो अब देखते हैं कैसे कैसे बनाते हैं। भैया अभी पानी डाल दिया भैया ने। ये भैया ने अदरक कूट दिया है जो बेसिकली जैसे हर घर में कूटता है नॉर्थ इंडिया में मोस्टली। और इससे हम डालते हैं इलायची। ये भैया ने इलायची डाल दिया। टेस्ट डालेंगे सर। अच्छा अच्छा,
यानी ये भी कस्टमाइजेबल है, कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, यानी अच्छे से एक फ्रेशनेस देगा और साथ में डाइजेशन पार्ट बहुत अच्छा रखता है। फुल टीस्पून का जो है एक चौथाई भाग में इसमें डाल देता हूँ। ओके ओके, अच्छे से बहुत अच्छा फ्लेवर अरोमा आ रहा है भी फील में। और एक और बहुत बहुत ही अच्छी हर्ब तुलसी, बेसिकली होली हर्ब है हमारे हिंदूज के लिए, जो जिसके बहुत अलग अलग फ़ायदे हैं। तो चाय इसलिए पी जाती है कि उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो भैया ने तुलसी डाल दी, इसमें अदरक डाल रहे हैं अच्छे से बढ़िया अमाउंट में। इसमें भैया ने दूध डाल दिया है अच्छे से, और देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आया है चाय का। तो अब ये भैया शुगर डाल रहे हैं, वन स्पून डालते हैं। अगर आप कभी ज़्यादा पीते हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ जी हाँ जी, वो तो शुगर सैशेस देते होंगे। हाँ, साइज देते हैं वो अपने आप कस्टमाइजेबल हो। इसमें आप लास्ट इंग्रेडिएंट दालचीनी डाल दें। बहुत कम अमाउंट में ये डालना पड़ता है। हाँ जी, बहुत ही गर्म चीज़ है। थोड़ा सा ही डालने का ये अपना फ्लेवर देती है, अच्छा फ्लेवर इससे आता है। तो ये अच्छे से अब लास्ट फ्लेवर भी डाल दिया, इसे रेडी करके दिखाते हैं। चाय गर्म स्पेशल चाय रेडी है। अभी भैया इसे कुल्लड़ में सर्व कर देंगे अच्छे से। एक बार आप कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया, जैसा चाय को आना चाहिए। और फ्लेवर्स तो हैं इसमें इतने सारे। लास्ट तरीके की चाय यानी कड़क चाय बना रहे हैं भैया। इसमें इन्होंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इन्होंने सबसे पहले अदरक डाला है। ये वही बेसिक चाय है जो हम सब घर में बनवाते हैं, है ना भैया? ये वही चाय, वही चाय है तो घर जैसा स्वाद देगी है बिल्कुल आपको। इसमें वही CTC डाल रहे हैं जो इन्होंने चाय गर्म स्पेशल में डाली थी। इसमें कितनी डलेगी भैया? इसमें वही आपका ये 1 टीस्पून। ओके, और देखिए गिरते कलर छोड़ना स्टार्ट, कितनी बढ़िया क्वालिटी ऑफ चाय है देख सकते हैं आप। इसमें इलायची भी डाल रहे हैं भैया, तो इसमें चीनी और दूध डालेंगे बस, और फिर रेडी है। कड़क चाय है तो भाई इसमें लौंग डाल रहे हैं भैया, बहुत हल्का सा, सारी सेंसेस खुल जाएंगी आपकी। तो अब इसमें दूध और चीनी बचा है, ये भैया ने इसमें दूध डाल दिया है। ये देखिए फिर से कितना सुंदर प्योर कलर है, और पानी बस नाम मात्र का डाल रहे हैं, चाय दूध में बना रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से, सारे फ्लेवर्स दूध में इन्फ्यूज कर रहे हैं। कितने ब्यूटीफुल कलर्स आ रहे हैं देख सकते हैं। ये तो हमारी आखिरी चाय भी तैयार है, इनकी कड़क चाय। और कड़क चाय में सबसे बढ़िया अरोमा है क्योंकि इसमें वो लौंग डाली है ना, वो बहुत अच्छे से फ्लेवर दे रहा है देख सकते हैं आप लोग। और ये चाय रेडी है हमारी फाइनल भी। अब चलिए टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। सभी का एक और वीडियो की टेस्टिंग में। आज जैसे ही मैंने बताया हम आए चाय कैफे, चाय गरम, तो भाई चाय होना तो ऑब्वियस है। ये इनकी सबसे स्पेशल चाय है, चाय गरम स्पेशल, साथ में इनकी कड़क चाय जो खोल देगी सारे पोर्स। और फॉर हेल्दी वर्जन ये है इनकी ग्रीन टी विद लेमन एंड हनी, इसे मैं ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और साथ में कुछ मंचिंग के लिए हमारे पास इनका बटर टोस्ट और साथ में एक ग्रिल सैंडविच है जो वेजिटेबल्स और मेयो से भरा हुआ है। तो मैं पहले एक बटर टोस्ट लेता हूँ। ये देखिए बटर टोस्ट की क्रिस्पीनेस देखें आप, तो कड़क है एकदम ये। और भाई एक काम जो चाय में हर कोई करता है, भाई तू करता है चाय में डिप करके खाना? हाँ वही करता हूँ। तो मैं कड़क चाय में बटर टोस्ट डिप करूँगा और फिर देखते हैं इसका फ्लेवर कैसे आता है। एकदम कड़क, वो जो लौंग डाली थी ना सारे पोस्ट, अदरक का बहुत अच्छा स्वाद है इसमें। बस मेरे को एक हल्की सी कमी लगी, वो लगी शुगर की। भाई हम थोड़ा अपन थोड़ा मीठा पीते हैं चाय को, तो मैं हल्की सी शुगर ऐड करूँगा इसमें। अब इसमें शुगर ऐड कर लिया है, तो चलिए अब टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार इसे। गर्मा गर्म एकदम कड़क चाय, कड़क लिखा हुआ है तो कड़क है। अब हमारी हम अपनी अगली कुल्हड़ चाय पे फोकस करते हैं जो इनकी स्पेशल है, चाय गरम स्पेशल। और देखिए बटर की लेयर है पूरी इस पर। अब इसे भी टेस्ट करते हैं, ये हल्की सी ये मलाई आ जाती है जब चाय वो होती है थोड़ी सी गर्म से ठंडी। अब इस पर डिप करके अच्छे से, ये चीज़ बेस्ट है, चाहे बिस्किट हो या ब्रेड टोस्ट, मज़ा आ जाता है। एक तो यार इसका बटरी फ्लेवर क्या बताऊँ, बस इसका बटरी फ्लेवर इन चाय के लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है।
चाय टेस्ट करता हूँ। इसमें हर एक हर्ब की तुलसी का वो पंच आ रहा है, ऊपर से दालचीनी डाली थी वो पता चल रहा है। जो इसमें चाय है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, जो क्योंकि जो इन्होंने जो इसमें CTC डाला मतलब चाय की पत्तियाँ डाली थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कड़वाहट नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात, चाय कड़वी हो जाती है ज़्यादा देर पकने से, बिल्कुल भी ना ज़्यादा देर पकाई है, लेकिन फिर भी एक एक वो चाय का पंच आना चाहिए ना, वो आ रहा है बहुत अच्छे से, मज़ा आ गया। अब चलता हूँ इन दोनों पे। तो पहले सैंडविच ट्राई कर रहे हैं, या ये सबसे पहले बनवाया था तो हल्का सा सॉगी हो चुका है क्योंकि अंदर मेयो और वेजिटेबल्स हैं, तो लेट्स ट्राई। वो बहुत अच्छा लगा, जो वो अचारी डिप बता रहे थे ना भैया, उसमें बहुत फ्लेवर्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग वेरियंट फ्लेवर्स आ रहे हैं, साथ में जो मेयो है वो सारी वेजिटेबल्स को बांध के रखो। इसमें कैप्सिकम और अनियन का क्रंच आ रहा है ना, इतना बेहतरीन। और ब्रेड सॉगी हुई है पर बहुत हल्की सी, ज्यादा नहीं वो बिल्कुल मशी मशी हो जाए नहीं, वो क्योंकि हल्का सा बटर लगाया था ना वो लंबे टाइम के लिए, तो इस पर रखा है इसने। अब चलते हैं आगे लास्ट आइटम, यानी अपनी हेल्दी टी की तरफ। सबसे पहले इनकी चाय बनवाई थी, बेसिकली हेल्थ वाइज सबसे हेल्दी ग्रीन टी विद लेमन एंड हनी, जो हर चीज़ लेने को कहते हैं। और भाई हमें तो ज़रूरत है भाई, हम तो होते जा रहे हैं इस, ये जब से चैनल स्टार्ट किया है और मोटे होते जा रहे हैं हम तो। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। इसमें हनी की हल्की स्वीटनेस, लेमन का बहुत ही अच्छा टैंगी पंच, और साथ में जो ग्रीन टी की लीव्स थी वे बिल्कुल कोई पत्ती वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लीव्स थी, उनका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। मतलब मैं पहले भी ग्रीन टी पी हुई है लेकिन वो थोड़ी ऐसी सी लगती है, वियर्ड सी, पर ये जो लेमन और उसके साथ हनी के साथ है ना, इसका बहुत ही अप कर दिया इसने फ्लेवर। और मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पर आने के लिए, अगर जो हेल्थ वाइज हेड फिट उनके लिए ये, साथ में और भी टाइप्स की चाय है इनके पास, कश्मीरी कावा है और भी हेल्दी टाइप्स ऑफ चाय है, वाइट टी है, ये सब दार्जिलिंग टी है फ्लेवर वाइज। और जिनको जो ऑथेंटिक चाय लवर है हमारी तरह, ये कड़क चाय और ये चाय गरम स्पेशल मस्ट, और भाई ये बटर टोस्ट, बहुत यम, बहुत ज़्यादा यम हो, ये तो मैं फॉर ऑर्डर कर सकता हूँ। तो चलिए सब फिनिश करके मिलते हैं हम आपसे, चाय गरम का विजिट और साथ में ये इनका बैंक्वेट भी है और हमने रूम भी दिखाया था आपको, तो बस आप जल्दी से जल्दी आइए और यहाँ पे चाय ट्राई कीजिए और साथ में बैंक्वेट बुक कीजिए। बाकी इस वीडियो का फेवरेट पार्ट कमेंट कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल व्हाट एम आई डूइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।